बरेली में पकौड़ी का ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पहले तो काफी देर तक बहसबाजी हुई और बाद में एक ही परिवार के तीन लोगों ने ठेला लगाने वाले व्यक्ति से जमकर मारपीट की, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठेला विवाद में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम राजीव है, जो कि लंबे समय से कैंट थाना इलाके के बारी नगला के बाजार में पकौड़ी का ठेला लगाता था। इसी बात को लेकर उसके पड़ोस में रहने वाले मेवाराम और उसके बेटे राजीव से रंजिश रखने लग गए थे। पहले भी कई बार वो मृतक से ठेला लगाने को लेकर विवाद कर चुके थे। वहीं शनिवार को जब राजीव अपने घर के बाहर खड़ा था तो आरोपी मेवाराम और उसके बेटे वहां पहुंचे और विवाद करने लग गए। जब राजीव ने उन तीनों का विरोध किया तो उन्होंने राजीव पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में राजीव के सिर पर गंभीर चोट लग गई। घटना की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने राजीव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मेवाराम और उसके दोनों बेटों सुनील और मुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में मेवाराम और उसके बेटे सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जनपद बरेली के थाना कैंट के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम बारी नगला में एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो परिवारों के बीच में एक ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति राजीव, इसके सिर पे चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई। इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। मुकदमा संख्या है 542/24, धारा अंतर्गत 103 BNS। इसमें अभी तक सुनील और मेवाराम ऐसे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।